हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न के इंग्लिश क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ और दूसरे सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को। और आगे बढ़ने से पहले मैं इस ई कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यदि इंग्लिश और करेंट अफेयर्स के लिए आप हमारा प्रोफेशनल ई कोर्स घर बैठे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके रिगार्डिंग आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, बैंकिंग एग्जाम्स में, पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज में, जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है और इस समय तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है इंग्लिश का जो पैटर्न है। और नए पैटर्न के क्वेश्चंस यदि आप नहीं करते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये स्पॉटिंग एरर का ही क्वेश्चन है, बेसिक सेम है लेकिन उसका अप्रोच अलग है, उसको ट्विस्ट करके दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन पांच पार्ट में डिवाइड है। इन द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड से लेके वेस्टर्न गंगा प्लेन, यहाँ तक ये पाँच पार्ट में डिवाइड है, जिसमें ये दो पार्ट हैं ये बोल्ड में हैं और ये करेक्ट हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन जो तीन पार्ट हैं इनमें कुछ ग्रामेटिकल एरर हो सकती है। यदि एक में है तो आपका आंसर यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट दिए हैं, जैसे इस पार्ट में यदि गलती है तो उसका रिप्लेसमेंट यहाँ नीचे दिया है, सेकेंड पार्ट में गलती है तो उसका रिप्लेसमेंट यहाँ पर दिया है। तो आपको ये देखना है कि किस पार्ट में इसमें एरर है और उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर इसमें बनेगा। तो अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं, इन द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड। अब देखिए, ऋग्वेदिक पीरियड के बाद यहाँ पर हम एंड, ऋग्वेदिक पीरियड के एंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी पीरियड का एंड होगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका एंड होगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फिर दूसरा एक जो इरा है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अब इन द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड की जगह एट द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड कहना सही होगा। यानी इसका जो रिप्लेसमेंट होगा ये फर्स्ट होगा, मतलब ये पार्ट आपका जो है ये गलत है। द आर्यन सोसाइटी बिगेन टू, ये तो सही है, सेकेंड पार्ट तो सही है। एक्सपेंड ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंटू द वेस्टर्न गंगा प्लेन। अब देखिए, कोई भी चीज़ एक्सपेंड होती है तो दो पॉइंट के बीच में एक्सपेंड होती है, जैसे ए से लेके एक्सपेंड हुई वो बी तक, फ्रॉम ए टू बी। तो इसलिए यहाँ पर हम एक्सपेंड, यहाँ पर ऑफ की जगह आप फ्रॉम लगा सकते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंटू द वेस्टर्न गंगा प्लेन। चूँकि मूवमेंट, चूँकि इसमें हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसमें इंटू वर्ड कहना सही है, ऑन टू तो यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम लगाना सही है, यानी इसमें फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जो है उसका रिप्लेसमेंट आपको चाहिए। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है ये सही होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। दो पार्ट इसमें बोल्ड में है जो कि ऑलरेडी करेक्ट हैं, तीन पार्ट जो हैं वो करेक्ट नहीं है, उसमें से एक दो या तीन रॉन्ग हो सकते हैं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको इसका आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनी स्मॉलर क्लैंस मेंशनड विद इन अर्ली लिटरेचर सीम्स टू हैज़ बीन। देखिए, एक तो इसमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसमें क्लैंस है, क्लैंस प्लूरल है, तो इसलिए इसमें सीम्स नहीं होगा, यानी ये वाला पार्ट आपका गलत है। विद इन अर्ली लिटरेचर सीम ये सही है, मतलब इस पार्ट को आपको इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और हैज़ बीन की जगह इसमें हैव बीन आएगा क्योंकि क्लैंस प्लूरल है, तो इसमें भी ये फर्स्ट और सेकेंड को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से डी इसका आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ऑन द सेम टाइम इट मस्ट बी, देखिए ऑन द सेम टाइम जो फ्रेज है वो गलत है, एट द सेम टाइम होता है, ऑन द सेम टाइम नहीं होता। यहाँ पर इसका रिप्लेसमेंट जो दिया है ये एट द सेम टाइम दिया है, तो ये इसका सही है। और इट मस्ट बी, मस्ट बी के बाद यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इट मस्ट बी नोटेड यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको भी रिप्लेस करना है और इसको भी रिप्लेस करना है। अब आगे पढ़ लेते हैं। मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम इन इंडिया आर इंडियन नेटिव्स होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है।
मतलब मुस्लिम जो इंडियंस हैं वो इंडियन नेटिव्स हैं, इंडिया के ही रहने वाले हैं, तो ये थर्ड भी इसमें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, द स्पार्क दैट लीड टू द म्यूटिनी, म्यूटिनी हम बोलते हैं विद्रोह को, ठीक है, म्यूटिनी, जैसे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको हम सीपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं। द स्पार्क दैट लीड टू द म्यूटिनी, देखिए यहाँ पर वॉज लगा है तो इसलिए इसमें यहाँ पर ये पास्ट में आएगा, चूँकि ये पास्ट में है तो इसलिए ये पास्ट में आएगा, यानी लीड की जगह यहाँ पर होना चाहिए लेट। द स्पार्क दैट लेड टू द म्यूटिनी वॉज द इशू ऑफ न्यू गन पाउडर कैटरेजेस फॉर द एनफील्ड राइफल विच वॉज इनसेंसिटिव टू लोकल रिलीजियस प्रोहिबिशन। देखिए इसमें ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी सही है, ये वाला पार्ट भी ऑलरेडी सही है, और ए बी सी में केवल इसमें ए पार्ट गलत है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा ओनली ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टाइप टू के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं इसमें क्या करना है आपको। देखिए इसमें ये पूरा क्वेश्चन जो है ये पांच पार्ट में डिवाइड है, पूरा सेंटेंस आई वॉन्ट से शुरू हो के यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन है प्रॉम्प्टनेस तक, ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको, जो पार्ट इसमें रॉन्ग है उस पार्ट को हटाना है और उसके बाद आपको सीक्वेंस बनाना है। सपोज बी पार्ट गलत है तो बी को हटा के जो सीक्वेंस बनेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। आंसर इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, आई वॉन्ट टू एश्योर ऑल केन फार्मर्स दैट द गवर्नमेंट इज सेंसिटिव, सेंसिटिव के बाद हम टू लगाते हैं, ऑफ नहीं लगाते, तो बी पार्ट इसमें आपका गलत है, ठीक है, और चूंकि पूरे सेंटेंस में एक ही पार्ट गलत हो सकता है तो पूरे सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, केवल बी पार्ट गलत है तो बी को हटा के जो उस कॉम्बिनेशन बनेगा दैट विल बी योर आंसर। अब आ जाइए यहाँ पर, बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, यानी ये आंसर आपका नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और नहीं हो सकता, आपका आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें बी नहीं है, ठीक है, इस तरीके से इसको आपको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही सेड दैट टू क्लीन अप द एयर एंड ईज कंजेशन द गवर्नमेंट वॉज बिल्डिंग एक्सप्रेस वे अंडर दिल्ली, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सप्रेस वे बना रही है कंजेशन को रोकने के लिए, लेकिन अंडर दिल्ली नहीं बना रही वो, आप बोल सकते हैं या तो इन दिल्ली या अराउंड दिल्ली बोल सकते हैं, यानी कुल मिला के आपका ई पार्ट जो है ये गलत है, तो ई के बिना जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका आंसर होगा। ई के बिना ये ई है, ये ई है, ये ई है, आपका आंसर होगा इसमें डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट मेजर्स हैव टेकन टू वेबकास्ट। देखिए यहाँ पर आपको एक ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पर जोर देते हैं, पैसिव वॉइस में हम एक्शन पर जोर देते हैं, तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग को इंश्योर करने के लिए, इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट, कोई भी अनहैपनी, कोई भी गलत घटना होती है, ठीक है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कोई भी होता है, तो उसके लिए मेजर्स मतलब उपाय लिए गए हैं, उपाय को किया गया है, मेजर्स हैव बीन टेकन, तो यहाँ पर सी पार्ट जो है ये गलत है, ये हैव टेकन की जगह यहाँ पर हैव बीन टेकन होना चाहिए यहाँ पर, और सी के बिना आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, मच ऑफ द डिस्कोर्स ऑन प्रिजन कंडीशंस स्टॉप शॉर्ट ऑफ ए प्रैक्टिकल एजेंडा फॉर मेजर रिफॉर्म्स। देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। डिस्कोर्स का मतलब होता है भाषण देना या उस पर किसी विषय पर चर्चा करना, ठीक है, तो मच ऑफ द डिस्कोर्स यानी जो डिस्कशन चलता है किस चीज पर, प्रिजन कंडीशंस पर, जेलों के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जेलों के अंदर जो कंडीशंस हैं, वो चीज़ स्टॉप हो जाती है। स्टॉप क्यों हो जाती है, वो शॉर्ट ऑफ ए प्रैक्टिकल एजेंडा फॉर मेजर रिफॉर्म, प्रैक्टिकल एजेंडा नहीं है किसी के पास ताकि मेजर रिफॉर्म उसमें किए जा सके, और यहाँ पर हम एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, एक यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप बोल सकते हैं, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए यहाँ पर स्टॉप्स लगा हुआ है जो कि सही है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा नो एरर, ठीक है।
चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। दो अ 75 ईयर ओल्ड लोकल रेजिडेंट, ये 75 ईयर ओल्ड लोकल रेजिडेंट सही है, एडमिटेड टू द गवर्नमेंट वेनलॉक हॉस्पिटल हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ गेटिंग एक्सपोज्ड टू पर्संस इन्फेक्टेड विद वायरस, हिज थ्रॉट स्वैब। स्वैब होता है जो जिससे हम किसी चीज़ को साफ़ करते हैं, जैसे कॉटन होता है जिसमें पानी रहता है, उससे हम किसी चीज़ को साफ़ करते हैं तो उसको हम स्वैब बोलते हैं। टू हैड बीन सेंट फॉर एनालिसिस टू क्लियर डाउट्स। देखिए हैड बीन यहाँ पर लगा हुआ है जो कि एक पास्ट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर ये तो सही है लेकिन ये इसमें गलत है, इसकी जगह होना चाहिए हैड नो हिस्ट्री। ठीक है, बी पार्ट आपका गलत है इसमें, तो इसका आंसर होगा आपका ए, क्योंकि बी जो है वो ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अनलेस देयर इज नो क्लोज कॉन्टैक्ट, देखिए अनलेस एक निगेटिव वर्ड है और नो भी एक निगेटिव वर्ड है, तो एक ही क्लॉज में या एक ही पार्ट में डबल निगेटिव का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, तो यहाँ पर भी नॉट हो गया और यहाँ पर भी नॉट हो गया, तो इसलिए इस नॉट इस नो को हटाना पड़ेगा, यानी कुल मिला के आपका ए जो पार्ट है ये गलत है, आपका आंसर होगा इसमें ए। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही ठंडे दिमाग से आपको करना होता है और आपको डायरेक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ना होता है। यदि डायरेक्शंस को आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। और इंग्लिश सेक्शन कोई हवा नहीं है, कोई 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 टफ नहीं है, उसमें केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और आपको जो कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उनको आपको समझना होता है। यदि आप इन सभी चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं, इंग्लिश को और करंट अफेयर्स को, तो इसके लिए आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं और इसका लिंक भी आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो रहता है वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके भी इस ई कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको इंग्लिश सेक्शन का और करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा कंटेंट बैंकिंग और एसएससी एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।